हाय गाइस, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वा ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो हम लोग एक वीडियो करने वाले पावर स्टार पवन कल्याण अननोन फैक्ट्स एंड ये चैनल का नाम है साउथ फ्लैशबैक। ओहो ओके, चलो देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर स्टार पवन कल्याण की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सीज और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप पावर स्टार के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। पावर स्टार पवन कल्याण का फैन बेस और उनके क्रेजी फैंस के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे और ये उनके इतने ज्यादा क्रेजी फैंस साउथ इंडिया में ही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पवन कल्याण की फिल्में उनके साथ वाले एक्टर्स के कंपैरिजन में, जैसे महेश बाबू, थालापति विजय, थाला अजीत, इन सब के कंपैरिजन में पवन कल्याण की फिल्में हिंदी डब्ड कम ही होती हैं। इस वजह से उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर पावर स्टार में ऐसा क्या है जो उनके फैंस उनके लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हैं। तो इस वीडियो में हम पवन कल्याण के इतने क्रेज के पीछे आखिर क्या रीजंस हैं उसके बारे में भी बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए इस बारे में एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में टॉलीवुड पर एक तरफा राज किया है और उस टाइम पर चिरंजीवी के सामने कोई और दूसरा एक्टर टिक नहीं पाता था। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर सन 1971 को आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के बापटाला में हुआ था। उनके पिता कोनिडेला वेंकट राव एक कांस्टेबल थे और उनकी माँ अंजना देवी एक हाउस वाइफ थीं। इनके परिवार में टोटल 3 भाई और 2 बहन थीं। सबसे बड़े भाई चिरंजीवी, दूसरे नंबर पर नागेंद्र बाबू और तीसरे नंबर पर पवन कल्याण। जिनमें से चिरंजीवी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इनके दूसरे भाई नागेंद्र बाबू कुछ समय तक एक्टिंग में ट्राई करने के बाद अब तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने प्रोड्यूसर बन चुके हैं और इनकी दोनों बहनें विजया और माधवी की अब शादी हो चुकी है, जिनमें से उनकी बहन विजया के बेटे साई धर्म तेज भी अब फिल्मों में काफ़ी एक्टिव हैं। और पवन कल्याण का शुरुआती नाम भी पहले कोनिडेला कल्याण बाबू था और उनका शुरुआती बचपन तो बापटाला में ही बीता, लेकिन बाद में सन 1976 में जब उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने बतौर एक्टर अपना कैरियर बनाने का डिसाइड किया तो चेन्नई जाकर उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। और बस इसके कुछ ही सालों बाद चिरंजीवी जैसे ही बतौर एक्टर एस्टेब्लिश हो गए तो पवन कल्याण भी अपने भाई चिरंजीवी के साथ आकर वहीं पर रहने लगे। पवन कल्याण बचपन से ही अपने भाई चिरंजीवी को बहुत ज़्यादा मानते आए हैं और उनके साथ रहते रहते वो चिरंजीवी की वाइफ सुरेखा को भी अपनी माँ के समान समझते थे। हालांकि बचपन में पवन कल्याण का नेचर बहुत ज़्यादा शर्मीला था और वो ज़्यादातर किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। पवन कल्याण ने उसी टाइम पर मार्शल आर्ट्स की भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और कराटे में भी उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। पवन कल्याण उस टाइम पर अपनी युवा अवस्था में मार्शल आर्ट्स में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे कि वो उस टाइम पर एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड लोगों को कुछ ही सेकंड में नीचे ज़मीन पर गिरा देते थे। और इसी दौरान पवन कल्याण की एकदम हवा की तरह चुस्ती और फुर्ती देखकर उनको लोग पवन के नाम से बुलाने लगे थे। और आप में से शायद ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आगे चलकर पवन कल्याण ने अपनी कुछ फिल्मों जैसे बद्री, खुशी, तांबड़ू, गुदम्बा शंकर, जॉनी और ऐसी कई और फिल्मों के स्टंट सीक्वेंस उन्होंने खुद ही डिजाइन किए थे। और इन फिल्मों में पवन कल्याण के द्वारा कोरियोग्राफ किए गए ये स्टंट सीक्वेंस एकदम यूनिक थे और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे। और अपने भाई चिरंजीवी के फिल्मों में इतने ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से उस टाइम पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और खुद चिरंजीवी के फैंस की नज़र भी पवन कल्याण के ऊपर थी कि ये भी फिल्मों में आकर अपना डेब्यू करेंगे। हालांकि शुरुआत में पवन कल्याण का नेचर इतना ज़्यादा साई था कि उन्हें लगता था कि वो फिल्मों में अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे, लेकिन बाद में सबके समझाने पर पवन कल्याण ने अपना डेब्यू सन 1996 में आई फिल्म अक्कादा अम्माई अक्कादा अब्बाई से किया था, जिसको चिरंजीवी के साले और अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया था। एक्चुअली ये फिल्म सन 1988 में आई आमिर खान और जूही चावला की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक का तेलुगु रीमेक थी, जिसमें उस टाइम पर एकदम यूथ को टारगेट किया गया था, लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर उतनी सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि पवन कल्याण की इस पहली फिल्म में उनको कल्याण बाबू के नाम से क्रेडिट दिया गया था, लेकिन उनकी दूसरी ही फिल्म गोकुलामो सीता के बाद उन्हें पवन कल्याण के नाम से ही क्रेडिट दिया जाने लगा था। हालांकि स्टार्टिंग में पवन कल्याण की 2-3 फिल्में कुछ खास सफल नहीं हो पाई थीं और उनके कैरियर की पहली बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म बनी सन 1998 में आई थोली प्रेमा। उनकी इस फिल्म को उस टाइम पर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 2001 में तुषार कपूर और करीना कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है के नाम से बनाया गया था। और पवन कल्याण की ये फिल्म उस टाइम पर आंध्रा में युवाओं के द्वारा इतनी ज़्यादा पसंद की गई थी कि ये बहुत सारे सिनेमा घरों में उस टाइम पर 200 दिनों तक लगातार चलती रही थी। और पवन कल्याण उस टाइम पर आंध्रा में एकदम यूथ सेंसेशन बन चुके थे
और यहीं से पवन कल्याण के कैरियर का गोल्डन पीरियड भी शुरू हुआ था, जब उनके कल्ट फैन बनना शुरू हो गए थे। और इसके बाद आगे चलकर उनकी कुछ बैक टू बैक फिल्में जैसे तांबड़ू, बद्री और खुशी ने आंध्रा में युवाओं के बीच में एक सुनामी ला दी थी और लोग पवन कल्याण के लिए एकदम क्रेजी हो चुके थे। इन फिल्मों में पवन कल्याण की हेयर स्टाइल, उनके चलने की स्टाइल और यहाँ तक कि उनके कपड़े पहनने की स्टाइल तक यूथ के बीच में एक सेंसेशन बन चुकी थी। साथ ही उनकी इन फिल्मों में उनके द्वारा खुद ही डिजाइन किए गए उनके ये स्टंट सीक्वेंस उस टाइम पर लोगों के लिए एकदम नए थे। फिल्म बद्री में उनका ये काउ बॉय वाला हैट हो, फिल्म गोदम्बा शंकर में उनका ये डबल पैंट पहनने वाली स्टाइल हो, उनके द्वारा राइड की गई स्टाइलिश बाइक हो या फिर उनके हाथ को पीछे गर्दन पर रखने वाली स्टाइल हो, उनकी इन सारी चीज़ों के लिए यूथ उस टाइम पर एकदम क्रेजी थे। हालांकि ये बात भी शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पवन कल्याण ने अपनी फिल्मों के कुछ गाने की सीक्वेंस को भी खुद ही कोरियोग्राफ किया है, जो भी एकदम बहुत ही स्टाइलिश थे, जैसे कि पंजा, अनावरम, जॉनी, खुशी, बद्री और गोदम्बा शंकर। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्मों के बहुत सारे गानों में खुद ही अपनी आवाज़ दी है, और इन सारी चीज़ों ने उस टाइम पर पवन कल्याण को और दूसरे एक्टर के कंपेरिजन में काफ़ी अलग कर दिया था, जिनकी वजह से उस टाइम पर पवन कल्याण को युवाओं के साथ ही साथ फैमिली ऑडियंस भी बहुत पसंद करने लगी थी। और यही वो समय था जिस टाइम से पवन कल्याण के डाईहार्ड फैंस बनना शुरू हुए थे, और इनमें से ज़्यादातर लोग तो उस टाइम पर पवनिज्म को ही अपना धर्म मानने लगे थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उस टाइम पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पवन कल्याण की फ़िल्म कैसी है, वो तो बस अपने चहेते एक्टर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते थे। और यही एकमात्र रीज़न है कि आगे चलकर पवन कल्याण की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हुईं, लेकिन उनका क्रेज उनके फैंस के बीच में हमेशा बढ़ता ही गया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, डाउन टू अर्थ नेचर और उनकी यूनिक स्टाइल। और आगे चलकर पवन कल्याण ने सन 2003 में आई फिल्म जॉनी को खुद ही डायरेक्ट किया था। इस वजह से इस फिल्म का क्रेज उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था, और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी उस टाइम पर दूसरी फिल्मों के कंपेरिजन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस पर सेल किए गए थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। हालांकि पवन कल्याण का नेचर ऐसा है कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, प्रोड्यूसर्स को होने वाले बहुत बड़े लॉस की भरपाई काफ़ी हद तक पवन कल्याण खुद ही करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म में वो काम करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। और उनकी और भी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके फैंस को उनके प्रति आकर्षित करती हैं। आगे चलकर उनकी कुछ और फिल्मों जैसे अन्नावरम, जलसा, पुली, तीन मार और पंजा जैसी फिल्मों से उनके कैरियर में तो अप एंड डाउन आया, लेकिन उनके कल्ट फैंस की वजह से उनका क्रेज हमेशा बढ़ता ही गया। आगे चलकर उनकी कुछ और फिल्मों जैसे गब्बर सिंह, अट्टा रेंटक डारे दी, कट्टा मराए दू, इन सारी फिल्मों ने पिछले तेलुगु सिनेमा के कुछ रिकॉर्ड तोड़कर बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए थे। हालांकि इस टाइम पर पवन कल्याण अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने रियल लाइफ नेचर की वजह से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उन्होंने सन 2008 में अपने भाई चिरंजीवी के द्वारा फाउंड की गई एक पॉलिटिकल पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी में यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर दिन रात काम किया और जगह जगह जाकर इसका प्रमोशन किया। उनके दिमाग में उस टाइम पर था कि उन्हें लोगों के लिए बहुत अच्छा करना है, इस वजह से वो इसके लिए दिन रात लगे रहते थे। और बस अपने इसी सोच के साथ वो अपने भाई की इस पार्टी में एक वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। और पवन कल्याण ने खुद इस पार्टी में कोई भी मंत्री पद ज्वाइन करने से खुद ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अगर इस पार्टी में कोई मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे तो वो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि आगे चलकर सन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जो पवन कल्याण के लिए एकदम शॉकिंग था। सन 2010 में चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम नाम की अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया था, जो कि पवन कल्याण उस टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में लोगों की मदद करने के लिए आए हुए थे, ना कि केवल अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए। हालांकि इसके बाद उस टाइम पर चिरंजीवी के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे, और पवन कल्याण ने भी इसके बाद लगभग 3 साल तक एकदम मौन रहकर इसके बारे में अपना विरोध प्रकट किया था। इसके बाद आगे चलकर सन 2014 में पवन कल्याण ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी जनसेना पार्टी की शुरुआत की थी, और उन्होंने उस टाइम पर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जगह जगह पर बहुत सारे कैंपेन किए थे। और उस टाइम पर मंच पर पवन कल्याण के द्वारा दी गई स्पीच और लोगों के बीच में उनका क्रेज देखकर नरेंद्र मोदी खुद हैरान थे, और इसको लेकर उन्होंने उस टाइम पर पवन कल्याण की सोच और उनकी आइडियोलॉजी की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। हालांकि इस दौरान पवन कल्याण और उनके भाई चिरंजीवी के बीच में काफ़ी मतभेद की खबरें भी मीडिया में सामने आने लगी थी, क्योंकि चिरंजीवी उस टाइम पर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे और पवन कल्याण उस टाइम पर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इस बारे में पवन कल्याण का कहना था कि ये बस उनकी पॉलिटिकल सोच है, बाकी उनके बड़े भाई चिरंजीवी आज भी उनके लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने कि पहले हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि पर्सनल लाइफ में उन दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है,
तो ये पवन कल्याण की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उनके फैंस उनसे एकदम दिल से कनेक्ट हैं। उनकी हर बर्थडे के टाइम पर उनके क्रेजी फैंस सड़कों पर 4 से 5 किलोमीटर तक लंबे लंबे पोस्टर्स और जगह जगह पर बड़े बड़े केक काटकर उनके लिए अपना प्यार दिखाते हैं। और पवन कल्याण भी अपने फैंस के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। फिर चाहे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हो, बहुत सारी चैरिटी में पैसा डोनेट करना हो, इन सारी चीज़ों में पवन कल्याण हमेशा आगे रहते हैं। सन 2001 में पवन कल्याण को पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया था और ऐसा करने वाले वो साउथ इंडिया के पहले एक्टर थे। लेकिन आगे चलकर जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिलावट की खबरें मीडिया में सामने आईं, तो उन्होंने तुरंत ही ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को करने से मना कर दिया था। और आगे चलकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को नहीं करेंगे जिससे कि उनके फैंस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। इस वजह से पवन कल्याण को आपने और दूसरे एक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। हालांकि आगे चलकर उन्होंने सन 2017 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की एक ऑर्गन डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम किया था जिसका नाम था जीवन दान। इसके अलावा उन्होंने सन 2017 में ही एक हैंडलूम के भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम किया था। पवन कल्याण का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की जाने वाली टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कई बार शामिल हो चुका है। जब उन्होंने सन 2014 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी तब उस टाइम पर गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले इंडियन पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर था। इसके अलावा सन 2017 में पवन कल्याण को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच के लिए बुलाया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सब के बावजूद अगर पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ देखी जाए तो वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल है। उनकी 3 शादियाँ हुई थी, पहली नंदिनी से जो कि सन 1997 से लेकर सन 2007 तक चली थी। हालांकि नंदिनी के साथ पवन कल्याण का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था और शादी के बाद भी कुछ सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग ही रहने लगे थे। और सन 2000 के बाद पवन कल्याण एक जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल रेणु देसाई के काफ़ी करीब आ गए थे। रेणु देसाई ने उस टाइम पर पवन कल्याण की बहुत सारी फिल्मों में उनके कपड़ों को भी डिजाइन किया है। और आगे चलकर इन दोनों के बीच में प्यार इतना बड़ा कि पवन कल्याण ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देकर रेणु देसाई से सन 2009 में शादी कर ली थी। लेकिन उनका ये रिश्ता भी कुछ लंबा नहीं चल पाया और सन 2012 में रेणु देसाई से भी उनका डिवोर्स हो गया था। रेणु देसाई से उन्हें 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था अकीरा नंदन और लड़की का नाम था अदाया। सन 2013 में उन्होंने पोलेना अंजना पापानोवना से शादी कर ली थी, जिनसे भी उन्हें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है और इसको लेकर उन्हें कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन उनके जो कल्ट डाईहार्ड फैंस हैं उनको इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आज भी पवनिज्म को अपना धर्म मानते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनका एक क्रेजी फैन राजस्थान से साइकिल पर चलकर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण से मिलने के लिए आया था। ऐसी उनके फैंस की और भी बहुत सारी क्रेजी चीज़ें हैं जो कि अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लंबाई लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। तो उनकी इन सारी चीज़ों को हम किसी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इतना तो तय है कि पूरे साउथ इंडिया में सुपरस्टार रजनीकांत के बाद सबसे ज़्यादा क्रेजी फैंस के मामले में पवन कल्याण का ही नाम आता है। हालांकि ये क्रेज भले ही उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके रियल लाइफ नेचर की वजह से हो, लेकिन डाईहार्ड फैंस तो डाईहार्ड फैंस हैं और ये बात उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन ही समझ सकता है। और इस बात को आप खुद ही पता कर सकते हैं। अगर आपका आंध्रा रीजन का कोई भी दोस्त है तो वो आपको बता सकता है कि आंध्रा के यूथ में पवन कल्याण को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पावर स्टार पवन कल्याण के बारे में, बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपका पवन कल्याण के बारे में क्या कहना है, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ। पब्लिक के लिए बहुत काम करते हैं, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे भी ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स। ये हमने वी हैव सीन दिस वीडियोस जहां पे द वे पीपल लव्स पवन कल्याण, जो उनसे प्यार करते हैं उनके फैंस। ओ हो सी कैसा होता है ना, बीइंग एन एक्टर, ठीक है, और तुम फैंस के बीच में बैठ के तुम वही थाली में खाओ, बहुत फर्क गिरता है। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो रिसेंट जलसा का जो हुआ था री रिलीज, उसमें आई थिंक यार वो सब चैरिटी के लिए जाने आ रहा है जितना मैंने सुना था। वो सब
अगर आप देखोगे तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा जो फैक्ट्स बता, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है जो मेरे को नहीं पता, बहुत सारे इसमें शायद कवर भी नहीं किए होंगे, वो बोलते ना बहुत वीडियो बड़ी बन जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत है, बहुत कुछ किया मैंने फॉर सोसाइटी एंड एवरीवन। देखो एक चीज भी अच्छी लगी जहाँ पे उन्होंने बोला ना कि फैमिली जब घर पे आते तो इट्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर घर होता है बोलते ना, ऑफिस नहीं आता है, काम नहीं होता हमारा, तो घर में हम घर वालों के तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट था। वाह अच्छा वीडियो था, ऑफकोर्स अगर देखते इनके चैनल पर ऐसे वीडियोस हैं तो जरूर देखेंगे। सब तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।